वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सुनूप। दोस्तों, फिर एक बार साक्षात MS धोनी द फिनिशर का दर्शन हुआ यार। हाउ कूल, हाउ काम, हाउ कंपोज्ड इज दिस मैन यार। आई मीन, ही स्टैंड्स देयर विद अ ज़ेन लाइक कॉन्सेंट्रेशन, एब्सोल्युटली अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन, रियली नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट द बिल्डिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी और द बिल्डिंग अप प्रेशर और द ह्यूज बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट ईच एंड एवरी सिंगल ऑडियंस, एवरी सिंगल व्यूअर, एवरी सिंगल पर्सन इनसाइड the stadium is having on MS Dhoni. MS Dhoni is absolutely not bothered. He cares two hoots. He stands there and absolutely smashes ballers like it is his normal routine business. Yaar, matlab kya kya aadmi hai yaar ye, matlab yaar eighth wonder of the world MS Dhoni, aur kitna last over finishes karega yaar, matlab actually MS Dhoni CSK के लिए फिनिशर था आज एंड MI के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए पनिशर था। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ पुटिंग इट। बेचारा जयदेव उनादकट क्या कर सकता था, ही डिडंट डू मच, कुछ ज्यादा गलती किया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि यार कोई खराब बॉलिंग डाला, ठीक ठाक बॉलिंग डाला, बट विद MS Dhoni इन सच ग्रेट फॉर्म, सच ग्रेट कूल काम कंपोज्ड फॉर्म, उनादकट ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था यार। एंड CSK विंस। दोस्तों, MI का बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा है ये सीजन यार। क्या करना चाहिए मुंबई इंडियंस को, क्या करना चाहिए रोहित शर्मा को एटलीस्ट एक गेम जीतने के लिए? मेरे हिसाब से यार ये सीजन भूल जाना चाहिए, नेक्स्ट सीजन के लिए आप तैयारी करो। वैसे भी बहुत सारा कप्स आपने जीत लिया है, ठीक है यार, थोड़ा रिलैक्स करो, ये सीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मतलब कोई ऐसा शर्म वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, एक मैच तो एटलीस्ट जीत जाओ, वो एक कंसोलेशन विन तो होगा। लेट्स होप दैट इन द नेक्स्ट गेम MI विंस, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। बट एटलीस्ट यार आप मेरे को बताओ, इस बार MI ने क्या मतलब गड़बड़ किया, क्या उनका बॉलर्स नहीं चल रहा, बैट्समैन तो टोटली फ्लॉप है यार। मतलब जिस तरह से शुरुआत किया MI ने यार, पूरा कच्चा लिंबू टीम लग रहा था यार। रोहित शर्मा इज इन नो फॉर्म व्हाटसोएवर। ईशान किशन ने जो स्टार्टिंग में फॉर्म दिखाया वो पूरा गायब हो गया अभी तो। मतलब फिर पूछना पड़ेगा 15 करोड़ किसके लिए यार। और उसके बाद यार हर दिन थोड़ी बेबी ए भी मारेगा, ए बी बेबी जो भी है यार। एंड बाकी लोग मतलब कायरन पोलार्ड इन नो फॉर्म, उनका स्टार प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है यार। रोहित, ईशान किशन टू सम एक्सटेंट, कायरन पोलार्ड नो फॉर्म एट ऑल। तो मतलब हर दिन ठिलक वर्मा आके मारेगा क्या यार? तो वही प्रॉब्लम हो गया MI के साथ। एंड जिस तरह से CSK ने शुरुआत किया, सवाल तो तभी बनता है कि सबसे बड़ा कच्चा लिंबू टीम, सबसे ज्यादा कच्चा लिंबू टीम कौन सा है यार? CSK की MI यार। बट देन धोनी गेटिंग इनटू फॉर्म, लाइक गिविंग अस ग्लिम्सेस ऑफ द ओल्ड धोनी, द ओल्ड फिनिशर धोनी, मजा आ गया। दोस्तों आपका टेक लिखकर बताना, एंड आप ये भी बताओ MI को क्या डिफरेंट करना चाहिए, जो बाकी बचा कुछ मैचेस है उसमें क्या टीम कॉम्बिनेशन बदलो या क्या करना चाहिए। एटलीस्ट अर्जुन तेंदुलकर को खिलाओ यार, मैं तो बोलता हूँ अर्जुन को खिलाओ, आपने खरीदा तो है उनको, अभी खिला के देखो यार, मे बी ही कैन मेक अ डिफरेंस, हु नोस। आपका टेक दोस्तों लिखकर बताओ, योर टेक, योर व्यूज, योर ओपिनियंस। फॉर द मोमेंट टाटा।